अब देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। कोरोना काल के बीच आज से संसद का मानसून सत्र, दो अलग अलग शिफ्ट्स में दोनों सदनों की कार्यवाही। संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन, कहा कोरोना भी है और कर्तव्य भी। प्रधानमंत्री ने कहा जल्द से जल्द वैक्सीन के लिए कोशिश, जब तक दवाई नहीं तब तक नहीं करनी है ढिलाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9071 नए केस, 1136 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48 लाख के पार, 79,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना के 9,86,000 से ज्यादा एक्टिव केस अब भी मौजूद, 37 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा अनियोजित लॉकडाउन से फैला कोरोना। संसद परिसर में नीट परीक्षा के खिलाफ डीएमके सांसदों का प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने की मांग की। दिल्ली में आज से खुले जिम और योग सेंटर। आज से शुरू कोलकाता मेट्रो की सेवाएं, रविवार को बंद रहेगी मेट्रो सर्विस। मुंबई के सायन अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई, परिजनों के बजाय किसी और को दे दी गई मरीज की डेड बॉडी। कोरोना काल में यूपी के रायबरेली में डॉक्टर की दबंग गई, इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद परिजनों से की बदसलूकी। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर में युवती से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर में सीएम भूपेश ने झंडी दिखाकर कोरोना विजय रथ को किया रवाना। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गाजियाबाद कोर्ट के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अब बुधवार को खुलेगा कोर्ट। ईस्ट मिदनापुर में भी बिजनेस ठप होने से कारोबारी बहुत परेशान है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।